हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी। तो देखिए, आज की जो वीडियो है उन सभी गर्ल्स स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने NCVAP में एडमिशन अभी तक नहीं लिया है या जो जिन्होंने ले लिया है। तो काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर स्पेशल ड्राइव कट ऑफ के बारे में एक वीडियो बना दीजिए। तो ये मुझे लगता है ये वीडियो के जो भी आपके डाउट्स होंगे वीडियो में क्लियर हो जाएंगे कि आखिर NCVAP में स्पेशल कट ऑफ जो निकाली जाती है, जिसे स्पेशल ड्राइव कट ऑफ बोला जाता है, ये बेसिकली है क्या और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, किस कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हो। तो सारा कुछ आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि NCVAP के रजिस्ट्रेशन क्लोज होने के बाद जो कट ऑफ्स हैं वो उसकी आने का सिलसिला अभी चल रहा है। 3 कट ऑफ्स जो है वो आ चुकी है और लेटेस्ट जो हमारे पास डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग ये है कि टोटल 8000 जो सीट्स हैं वो फुल हो चुकी हैं। जी हाँ, 8000 सीट्स भर चुकी हैं और ज़्यादातर कॉलेजेस में जो जनरल कैटेगरी और ST कैटेगरी, SC कैटेगरी के जो एडमिशन्स हैं वो क्लोज हो चुके हैं। अब मुझे लगता है कि आने वाले कुछ टाइम पे जो कट ऑफ्स आएंगी वो सिर्फ नाम की कट ऑफ रहेगी ज़्यादातर, और कुछ जो अच्छे कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। जैसे कि हंसराज कॉलेज में एडमिशन क्लोज हो चुका है, जैसे हमने 3rd कट ऑफ में देखा था। मिरांडा में अभी चल रहे हैं, बट हंसराज में जो एडमिशन है वो क्लोज हो चुके। हो सकता है अगली बार जो कट ऑफ आए मिरांडा में भी उसमें एडमिशन आपको क्लोज मिले। तो वो कॉलेजेस जो कहीं ना कहीं जिनकी अपनी एक पहचान है, जिनमें स्टूडेंट आते हैं, उनके जो एडमिशन्स हैं वो ज़्यादातर क्लोज हो चुके हैं। जिस सिंपल सी बात है, सीट्स फुल हो गई क्योंकि लिमिटेड सीट्स होती है कॉलेज में और हर स्टूडेंट को एक ही कॉलेज में एडमिशन मिलना पॉसिबल नहीं है। तो टोटल जो आंकड़ा है वो 8000 सीट्स है वो फुल हो चुकी है। अब सबसे बड़ी बात, 15000 में से 8000 सीट्स फुल हो चुकी है, जिसके अंदर BCom की सीट्स अभी भी सारे कॉलेजेस में अभी भी फुल नहीं हुई है। मतलब कि मैं ये कहूँ कि एडमिशन 3rd कट ऑफ तक भी किसी भी कैटेगरी के एडमिशन क्लोज नहीं, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि BA में बच्चा बहुत आ रहा है, BCom में नहीं जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि एडमिशन फुल नहीं होंगे, एडमिशन जरूर फुल होंगे। अब बात कर लेते हैं कि सर 3 कट ऑफ्स आ चुकी है, अब स्पेशल कट ऑफ कब आएगी और क्या होती है। तो देखिए, स्पेशल कट ऑफ जो है, 2 स्पेशल कट ऑफ निकाली जाएगी, एक 12 सितंबर को, एक 4 अक्टूबर को। तो जो 12 सितंबर को जो नेक्स्ट कट ऑफ आ रही है आपकी, ये स्पेशल कट ऑफ होगी। अब स्पेशल कट ऑफ क्या होती है कहीं को नहीं पता। तो देखिए, अभी तक क्या होता था, जो पहली कट ऑफ आई थी, पहली कट ऑफ में होता ये था कि अभी तक कट ऑफ में कि जिस कॉलेज में आप, जैसे मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, पहले कट ऑफ जैसे आई, ठीक है, पहले कट ऑफ में क्या था कि ज़्यादातर स्टूडेंट कई सारे कॉलेज में एलिजिबल थे अप्लाई करने के लिए। बट सेकंड कट ऑफ में क्या होता है कि सेकंड कट ऑफ में जिस कॉलेज में आप एलिजिबल थे 1st कट ऑफ में, आप सेकंड कट ऑफ में उनमें एलिजिबल नहीं होते। मतलब आप अप्लाई तो करोगे, रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 1st कट ऑफ में आप उन कॉलेज में एलिजिबल थे। तो सेकंड में आप उन्हीं कॉलेज में एलिजिबल हो सकते थे जो 1st कट ऑफ में आप जिनमें एलिजिबल नहीं थे, क्योंकि जिनकी कट ऑफ आपसे 4th बेस्ट सब्जेक्ट से ज़्यादा थी, तो नेक्स्ट कट ऑफ आते आते उनकी रैंक जो है आपसे कम हो गई, तो आप उनमें अप्लाई कर सकते थे। बट तीसरी कट ऑफ में क्या हुआ, ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने अभी तक अप्लाई ही नहीं किया, मतलब जो इस चीज़ का वेट करते कि सर मैं 1st कट ऑफ में जिस कॉलेज में जाना था मैं उसमें एलिजिबल तो था बट मैंने एडमिशन नहीं लिया, मैं सेकंड कट ऑफ में मेरा रिजेक्ट हो गया, ये डॉक्यूमेंट में कोई फेल हो गया, जो भी रिजेक्शन जिनका हो चुका है, जो अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति में 1 से लेकर 3 का कट ऑफ, यानी पहली से लेकर तीसरी कट ऑफ तक जो 3 कट ऑफ अभी तक आई है, इन तीनों कट ऑफ से जिनके भी एडमिशन या तो रिजेक्ट हुए हैं या जो एडमिशन अभी तक नहीं ले पाए किसी भी कॉलेज में, तो स्पेशल ड्राइव कट ऑफ में आप किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो जिसमें आपकी बेस्ट 4 सब्जेक्ट की परसेंटेज मैच होती है। अभी तक ऐसा नहीं था रूल, बट स्पेशल ड्राइव कट ऑफ में इसीलिए मौका मिलता है कि यहाँ पे आप उन सारे कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो जहाँ पे आपकी परसेंटेज उन कट ऑफ से मैच करती है, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं बताऊँ, स्पेशल ड्राइव कट ऑफ निकालने का मकसद यही होता है कि तीनों कट ऑफ में जितनी सीट्स खाली रहती है उनको भरा जाए और उन सभी स्टूडेंट को एक बार फिर से मौका दिया जाता है कि आप किसी भी उस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो जहाँ पे अभी तक आप एलिजिबल नहीं थे, बट परसेंटेज का बहुत बड़ा इशू है। जैसे बेस्ट 4 सब्जेक्ट आपके मान लीजिए, आप बेस्ट 4 सब्जेक्ट की परसेंटेज 80 और किसी कॉलेज की 75 है, 72 है, तो आप अप्लाई कर सकते हो स्पेशल ड्राइव कट ऑफ में, आपका रिजेक्ट नहीं होगा। 62 है, 55 है, आप अप्लाई कर सकते हो स्पेशल ड्राइव कट ऑफ में। बट इसका नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि ज़्यादातर सीट्स अब आपको फुल मिलेगी क्योंकि जनरल कैटेगरी की सीट्स होगी अच्छी कॉलेज में,
बट ऐसा नहीं है सब में एडमिशन क्लोज जाएंगे, बट आपके जो कुछ कॉलेजेस आपके फेवरेट होंगे उनमें एडमिशन आपको क्लोज मिलेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी। तो स्पेशल टाइप कट ऑफ खासकर उन स्टूडेंट को मौका देता है या जिनका एडमिशन रिजेक्ट हो चुका है या जो अभी तक उन कॉलेज के आस में बैठे थे जिनमें वो पहले एलिजिबल थे बट अब सेकंड में रिजेक्ट हो गया, थर्ड में रिजेक्ट हो गया, तो उनको अप्लाई करने का मौका मिलेगा। अगर सबको ही मिल पाएगा बट विड्रॉल का ऑप्शन, इसमें चेंज का ऑप्शन नहीं मिलता। अगर आप चाहते हो कि मैं एक कॉलेज से दूसरे ट्रांसफ़र करा लूँ, नो ऑप्शन नहीं है। हाँ, विड्रॉल आप कर सकते हो, विड्रॉल करा लीजिए, 1000 रुपये आपके कट जाएंगे पूरे, ये आपके ऊपर है, फिर स्पेशल टाइप में आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये चीज़ें सोच समझ के करना, ये चीज़ को मैं बार बार कह रहा हूँ। तो जैसी स्पेशल टाइप कट ऑफ आएगी हम आपको बता देंगे, 12 सितंबर को आएगी। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएगा,